हाय दोस्तों, देखिए वैसे तो कैप्सूल कैस्टर में बहुत सारी पेस्ट आती है, जैसे कि कैप्सूल बोरर हो गई, फिर सेमी लूपर हो गई, फिर आर्मी आर्मी जेरा, वो हेलीकॉर्प आर्मी जेरा आर्मी हम बोलते हैं जिसको, वाइट फ्लैश हो गई। आज मैं आपको उसमें से कैप्सूल बोरर या सूट या कैप्सूल बोरर के डैमेज के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, कैप्सूल बोरर कम्प्लीट मेटामॉर्फिक लेपिडोप्टेरन पेस्ट है। वो उसमें एग, लार्वल, प्यूपा और एडल्ट, ये चार स्टेज होते हैं। उसका एडल्ट जो स्टेज होता है वो कलर का, उसका जो मौत होता है वो होता है, वो उसमें काले कलर के धब्बे होते हैं और वो आपके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका जो लार्वा होता है वो पहले पहले ग्रीन कलर का होता है, उसमें से कन्वर्ट होके वो डार्क ब्राउन कलर का या रेड कलर उसमें कन्वर्ट होता है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी उसका हम डैमेज देखेंगे। वो अपना ओवी पोजिशन, वो अपना जो अंडा है, वो इसकी जो आप सरफेस देख सकते हैं, इस पे स्मूथ सरफेस है, इस पे अंडा देता है, या इसकी शूट टिप होती है, शूट टिप इन्फ्लोरेसेंस होता है, उस पे उसका एग लिंग करता है। एग हैच होता है 4 से 5 दिन में, उसका 30 से 35 दिन का पूरा लाइफ साइकिल होता है और 4 से 5 जनरेशन एक ईयर में कंप्लीट करता है। उसका हाईव इन्फेस्टेशन अक्टूबर से और नवंबर, ये दोनों महीने में उसका इन्फेस्टेशन बहुत हैवी होता है। वैसे तो वो अगस्त से लेकर मई तक उसका पूरा जनरेशन चलता रहता है। देखिए, उसका टिपिकल सिम्टम क्या है, कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डैमेज के थ्रू, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वो क्या करता है कि ये कैप्सूल है, ये जब इसके अंदर होल करता है, इसको बोर करके इसके अंदर होल करके इसके सीड के अंदर फीड करता है, और उसका जो एक्सक्रीट है और फ्रास निकलता है, उस फ्रास से जो उसके नज़दीक के जो कैप्सूल है उसको जोड़ देता है। देखिए, ये देखिए, ये उसका फ्रास है, ये होल है उसके अंदर किया है और ये जोड़ देता है। ये उसका टिपिकल सिम्टम है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें भी देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये इसने एक्सक्रीट और फ्रास की मदद से जो कैप्सूल है उसको जोड़ दिए है और इसके अंदर होल बना देता है, उसके सीड को फीड करता है और पूरा जो कैप्सूल था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। ये देखिए, ये पूरा फ्रास और एक्सटीरियर की मदद से, ये देखिए उसका लार्वल स्टेज, ये 5th इंस्टार में होगा शायद। ये पूरा पहले 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 ग्रीन कलर का होता है, फिर डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये होल के अंदर, इसका प्यूपेशन के होल के अंदर ही होता है, जो अंदर फीड करके होल बनाता है उसके अंदर वो प्यूपा बनाता है। प्यूपा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये उसका प्यूपा है, ये लार्वा में से फिर प्यूपा बनाता है। इसमें भी इसने होल किया, इसमें भी शायद, ये देखिए, ये दूसरे या तीसरे इंस्टार का लार्वा है, ये होल करके ऐसे अंदर फीड करता है। ये देखिए, और ये पूरे सीड को नष्ट कर देता है। ये देखिए, उसका टिपिकल सिम्टम है, ये जैसे कि होल कर दिया और इसके अंदर फिर सीड काम का नहीं रहता, सब आपस में जोड़ देता है। ये उसका एक्सक्रीट है, इसकी मदद से पूरा ये आपस में जो रेगमा होता है, इसको कैप्सूल, उसको रेगमा बोलते हैं, वो जोड़ देता है। ये देखिए, इसके जो डैमेज किए हुए कैप्सूल से उसमें होल बना देता है ऐसे, ये रहा होल, फिर इसके सीड के अंदर फीड करता है, प्यूपा भी वही बनाता है और ये फिर सीट काम का नहीं रहता कैप्सूल जो है, ये देखिए पूरा डैमेज किया। ये देखिए, फ्रास की और एक्सट्रिया की मदद से ये कनेक्ट कर देता है आपस में जो ये कैप्सूल होते हैं उसको। ये इसका टिपिकल डैमेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिक केमिकल है नहीं, ये केमिकल कंट्रोल के प्रति लेस ससेप्टिबल है, इसका मतलब आप कंट्रोल
ये हो गई हेरी, इसके अंदर स्पाइन ज़्यादा है, तो इस वैरायटी का चयन अगर आप करोगे तो उसका अटैक का संभावना है वो ज़्यादा रहेगा। तो आप ऐसे स्पाइनलेस वैरायटी का चयन कर करके उसका मैनेजमेंट का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसका जो कैप्सूल है वो अगर लेस कॉम्पैक्ट रहेगा तो ये उसके अटैक का लेस ससेप्टिबल रहेगा। अगर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी इसके कैप्सूल की तो वो ससेप्टिबल ज़्यादा रहेगा इसके अटैक के प्रति। और ये अभी पूरा फील्ड है, इसमें केस्टर, गुजरात केस्टर हाइब्रिड 4 वेराइटी उगाई गई है। इसमें भी पूरा टोटल 4 से 5% डैमेज होगा, यही उसका ETL लेवल है। अगर इतना डैमेज आपको दिखे तो फिर आप कंट्रोल मेजर ले सकते हैं। कंट्रोल मेजर में तो इसका एक एट्रानिलीप्रोल है, फिर इमामेक्टिन बेंजोइट है, फिर इथियोन है, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इसके इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए इस पे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना इतना लाभदायी होगा नहीं, क्योंकि ये कैप्सूल के अंदर रह के, ये देखिए लार्वा, ये लास्ट इंस्टार है, ये कैप्सूल के अंदर रह के ही डैमेज करता है, इसलिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड इस पे इतना काम नहीं करेगा, आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेना पड़ेगा। नष्ट कर दिया है, और ये आपस में देख के जोड़ दिया है, इसके अंदर लार्वा अंदर ही प्यूपा बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड माहिती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।